एक तरफा प्यार की दर्दनाक लव स्टोरी। आज हम आप लोगों को एक ऐसी इमोशनल लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जो आपके रूह से लेकर दिल तक झकझोर जाएगी। प्यार की कहानियाँ तो बहुत सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन ये कहानी आत्मीयता और प्रीत्यर्थ से भरी है। यह इमोशनल लव स्टोरी अमन और प्रीति दो प्रेमियों की है, जो बिना डरे एक दूसरे को टूटकर चाहते हैं। यह अमन और प्रीति की इमोशनल लव स्टोरी है, जो एक दूसरे से डेली बात करते थे, एक दूसरे को हर रोज मिलते थे, लेकिन हाल वैसा ही था जैसा कि हर आशिक का प्यार में होता है। अमन को प्यार करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन कभी भी प्रीति से इजहार नहीं कर पाया। यानी प्रीति को ये तक नहीं पता था अमन उससे प्यार करता है। अमन के सब्र का बांध तब टूटा जब अमन को लगा मेरा प्यार मेरा नहीं रहा, वह तो किसी और का है। आपको बता दे कि जब प्रीति की शादी तय हो गई, तो अमन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज 5 साल से अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाए, और अब हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इधर प्रीति अपने हम सफर को पाकर इतना खुश थी, उसका एक झलक पाना अमन के लिए मुश्किल हो गया था। आखिरकार अब प्रीति घर से निकलना छोड़ बंद कर दी थी और अपने पति बलराम से हमेशा फोन पर चिपकी रहती। यही नहीं, प्रीति का सजना सवरना और उसके चेहरे की चमक दिन के दिन बढ़ती जा रही थी। इधर अमन अपने सच्चे प्यार के गम में इतना टूट चुका था, मानव वो जिंदा लाश बन गया है। अब करता ही क्या, सब कुछ तो खो चुका था। जब अमन ने हिम्मत जुटाकर प्रीति को बताने की कोशिश की, तो प्रीति उसकी हर बात मजाक में ले रही थी। जब उसने अपनी सारी दास्तां सीरियस में सुनाया, तो प्रीति के होश उड़ गए और फौरन दूर रहने के लिए गुस्से में बोली। और अब धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आता जा रहा था। इधर अमन की बेचैनी बढ़ चुका था, उन्होंने प्रीति से शादी के मात्र 2 दिन पहले भाग जाने का जिद करने लगा, लेकिन ऐसा होना कहां मुमकिन था। और उल्टा लड़की ने अपने परिवार वालों को बोल दिया, अब अमन के लिए एक झलक पाना मुश्किल हो गया था। आज प्रीति की शादी का दिन भी आ गया है। इधर अमन गांव छोड़कर बलराम के यहाँ पहुँच गया, वहाँ उन्होंने सब कुछ सच सच बताया। इसके बावजूद बलराम ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, लेकिन अमन को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने वापस आकर शादी के दिन ही बलराम को मौत के मुंह में उतार दिया। अब प्रीति के घर वाले पूरी तरह से घबरा गए थे। पुलिस आई, प्रीति से पूछताछ करने करने लगी। प्रीति ने पुलिस को अमन के बारे में सब कुछ बताया और पुलिस ने अमन को उठा लिया और थाने लाया गया, तो अमन ने अपनी गुनाह कबूल कर ली। आज अमन जेल के 4 दीवारों के बीच में बंद है। ऐसे में आप किसी को दिल से चाहते हैं, तो उससे अपनी बात कहें, ना कि बदला लेने की कोशिश करें। ऐसे में अंजाम बुरा होता है, जैसे कि अमन के साथ हुआ। आखिर ये कैसा प्यार कि अपनी खुशियों के लिए किसी की खुशी छीन ली जाए। प्यार तो वो होता है जिसमें सब कुछ कुर्बान हो जाए।